नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, बिहार में कई यूनिवर्सिटीज हैं जो उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन इन सबके बीच बिहार में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन रही है जिसमें एडमिशन लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितना मुश्किल होगा। खास बात यह है कि यह यूनिवर्सिटी प्राचीन काल में भी बिहार को गौरव प्रदान करती थी। यहाँ देश विदेश से हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी अब एक बार फिर अपने पुराने गौरव को हासिल करेगा, लेकिन नए अंदाज में, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व में सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटीज में से एक है। प्राचीन भारत में यह ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह बिहार की राजधानी पटना से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बिहार का गौरव नालंदा यूनिवर्सिटी का बिहार सरकार पुनर्निर्माण करवा रही है। 2007 में साउथ एशिया समिट के दौरान इसके निर्माण पर मुहर लगी थी, जिसे 445 एकड़ में 2700 करोड़ की लागत से पूरा किया जा रहा है। इसका निर्माण नालंदा में ही करवाया जा रहा है और अब यहाँ पठन पाठन भी शुरू हो गया है। इस यूनिवर्सिटी में मेडिटेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके लिए एक खास मेडिटेशन गार्डन का निर्माण करवाया जा रहा है। यह कैंपस पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी से प्रेरित होगा, या यूं कहें कि पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी ही इसका आधार होगा। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लैब, लाइब्रेरी, एकेडमिक क्लस्टर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था होगी। सबसे खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके नए आधुनिक और पुरानी सभ्यता दोनों की झलक एक साथ दिखाई देगी। सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा इस यूनिवर्सिटी के कैंपस के बीचों बीच एक बड़ा सा वाटर पार्क। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का डिजाइन अहमदाबाद की कंपनी रूप ने किया है। इसके निर्माण में चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसे देशों ने फंडिंग किया है, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इस यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग में डेप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 90% बिजली का कम इस्तेमाल करके बिल्डिंग को ठंडा रखा जाएगा। ऐसा अपने देश में पहली बार होगा। अच्छी और बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी के बाद 50% से ज़्यादा काम पूरा कर लिया गया है और जल्द ही इसका निर्माण पूरा होने का उम्मीद है। यहाँ नए सत्र की पढ़ाई भी शुरू हो गई है और लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और 22 देशों के फैकल्टी भी पढ़ा रहे हैं। तो वह समय दूर नहीं जब बिहार एक बार फिर ज्ञान का केंद्र बनेगा और अपनी खोई हुई गरिमा को हासिल करेगा। तो दोस्तों, आप नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को लेकर क्या सोचते हैं और आपकी उम्मीद क्या है, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नालंदा यूनिवर्सिटी का प्राचीन इतिहास के बारे में भी अगर आपके पास कोई जानकारी है तो उसे भी आप ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।